वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी डिजर्ट की रेसिपी। तो नॉर्मली मीठा खाना हम सबको ही बहुत पसंद है और खाना खाने के बाद तो इसकी क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बट जब डिज़र्ट की बात आती है तो ज़्यादातर जो डिज़र्ट्स होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं। बट आज हम जिसकी बात कर रहे हैं विच इज़ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा इज़ वन ऑफ द हेल्दी डिज़र्ट्स। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि हलवा नाम सुनकर के ज़्यादातर लोगों के माइंड में आता है कि हलवा है तो हेल्दी कैसे हो सकता है। बट नॉर्मली किसी भी फूड को जज करने की तीन क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट उसमें कि इंग्रेडिएंट कौन सा यूज़ हो रहा है, सेकंड कि उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है, लाइक उसको फ्राई किया जा रहा है या रोस्ट किया जा रहा है या फिर उसको स्टीम किया जा रहा है। थर्ड क्राइटेरिया जो हमारा रहता है वो होता है कि उसको कितना हाइजीनिकली बनाया जा रहा है। तो इन तीनों के बेस पे हम अपने गाजर के हलवा को आज जज करने वाले हैं कि वो कितना हेल्दी है और कितना अनहेल्दी है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है इंग्रेडिएंट, तो उस पर देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो है हमारी गाजर, विच इज़ कैरेट। तो कैरेट जो होती है विटामिन ए और विटामिन के से फुली लोडेड होती है, जो हमारी आइज के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो सेकेंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। तो मिल्क तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हमारी मदर्स हमारे स्कूल में हमें सब बताते हैं कि जो मिल्क है वो खूब पीना चाहिए, हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी उससे। तो इट इज़ ट्रू, जो मिल्क होता है वो एक कंप्लीट फूड होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन डी, विटामिन ए, बी 12, बहुत से मिनरल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी आइज के लिए अच्छे होते हैं, हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं और जो हमारी कई तरह के हमारी बॉडी को डिसीजेज से फाइट करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो मिल्क जो है एक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा घी। तो घी को लेकर के भी काफ़ी लोगों के माइंड में डाउट है कि घी खाने से वो फैटी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको एक बैलेंस वे में खाते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यस, इसमें फैट्स होता है, बट इसमें जो फैट होता है वो एक हेल्दी फैट होता है। हेल्दी फैट मीन्स जो फैट हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है वो इसमें होता है। अगर आप इसको बैलेंस वे में लेते हैं, बैलेंस वे में मीन्स कि अगर लाइक वन स्पून इन अ वन मील लेते हैं तो आपको इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि घी जो है वो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट को एनहांस करता है। इसमें बहुत सारे फूड वैल्यूज होते हैं, लाइक ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यंग दिखने में हेल्पफुल होती हैं। तो जो अगर घी अगर बैलेंस वे में खाते हैं तो आई एम श्योर आपको कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। और लास्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है शुगर। शुगर जो है वो इसका थोड़ा सा अनहेल्दी पार्ट कह सकते हैं, बट उसका भी सब्स्टिट्यूट है हमारे पास जो कि है शक्कर यानी कि जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर में शुगर की सारी क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि लाइक उसमें जो ग्लूकोज होता है वो शक्कर में होता है और जो उसमें इंस्टेंट एनर्जी देने की प्रॉपर्टी होती है वो भी इसमें होती है, बट जो शुगर में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो शुगर के वो शक्कर में बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हम शुगर को शक्कर से रिप्लेस कर सकते हैं। शक्कर जो है वो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो लास्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है नट्स। तो नट्स तो हम सबको ही पता है कि बहुत हेल्दी होते हैं, बट इसमें वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हैं। अगर करते हैं तो हमारे हलवा की जो फूड वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है, अगर नहीं भी करते दैट इज़ इट्स ओके। और कौन से नट की कितनी फूड वैल्यू है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उस पर मैंने अलग से एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर के आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। और तो चलिए अब चलते हैं, हमने सारी फूड वैल्यूज इसमें देख ली है सेकेंड क्राइटेरिया पे। तो सेकेंड क्राइटेरिया जो हमारा है वो है इसका बनाने का तरीका। तो बनाने का तरीका जो है वो है, हम इसको फ्राई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम इसको कढ़ाई में बना रहे हैं, कुछ लोग इसको कुकर में भी बनाते हैं, तो दोनों ही तरीकों से ये हेल्दी वे में ही बनता है। तो सेकेंड क्राइटेरिया पे भी हमारा जो गाजर का हलवा है वो खरा उतर रहा है। तो थर्ड क्राइटेरिया जो रहता है वो रहता है कि कितना हाइजीनिकली इसको बनाया जा रहा है। तो अगर तो आप इसको हलवाई के पास का बना हुआ खा रहे हैं या रेस्टोरेंट से ले रहे हैं, ढाबे से ले रहे हैं या होटल से कहीं से बाहर से ले रहे हैं, तो वो कितना हाइजीनिकली है बना हुआ है, कितना हाइजीन उस में उसको प्रिपेयर किया गया है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है।
साफ सुथरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो एक फुली एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। बट अगर आप उसको घर पे बना रहे हैं तो वो तो बिल्कुल आपके अपने हाथ में है और नॉर्मली हम 99% उसको साफ सुथरे वे में ही बनाते हैं, तो उस मामले में भी ये खरा उतरेगा। तो तीनों ही क्राइटेरिया के बेस पे आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी डिजर्ट है। और गाजर का सीजन चल रहा है और जब भी कोई भी सीजनल फ्रूट है या वेजिटेबल है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके पूरे गुण लेने चाहिए, उसको रच के खाना चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है और जो शक्कर है, जो शुगर है और शक्कर है दोनों को हमने किस तरह से किस टाइम पे डालना है। अगर आप शुगर यूज कर रहे हैं उसको किस टाइम पे डालना है, अगर आप शक्कर यूज कर रहे हैं उसको किस टाइम पे और किस तरीके से डालना है वो मैं आपको रेसिपी के ड्यूरिंग बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल लेंगे, उसको गरम कर लेंगे और फिर डालेंगे 4 से 5 हमारी छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम्स। अब इसको गरम होने देंगे थोड़ा सा। अब इसके बाद हम डालेंगे हमने जो अपनी ग्रेटेड गाजर रखी हुई है कद्दूकस करके। मैं यहाँ पे 2 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ तो मैंने उनको ग्रेट करके रख लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे, यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप इसमें गाजर ऐड करते हैं पहले उसको अच्छे से निचोड़ लें, उसका जो जूस है वो निकाल के रख लें और जो उसका पल्प बचता है सूखा हुआ वो इसमें डालें, वो उसको अच्छे से रोस्ट होने में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे ईजिली ये पक भी जाती है और बहुत अच्छे से रोस्ट होता है जो और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। अगर आप इसमें पानी के साथ ही इसको डालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा और अच्छे से रोस्ट भी नहीं हो पाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो घी है वो सारा गाजर में लग जाए और इसको तब तक हम रोस्ट करेंगे हाई फ्लेम पे जब तक कि इसका थोड़ा कलर चेंज ना होना शुरू हो जाए। अभी ये ऑरेंज कलर की है, धीरे धीरे अब ये रेड कलर में होना शुरू हो जाती है और एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तब तक हम इसको बिना ढक्कन के हाई फ्लेम पे ऐसे हिलाते रहेंगे हर एक एक मिनट के बाद और पकाते रहेंगे। ऐसे बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। और नॉर्मली इसको 5 से 7 मिनट लग जाते हैं रोस्ट होने में, बाकी डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी गाजर है। बाकी आप अभी देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो पानी हमने निचोड़ के रखा था गाजर में से, वो हम इस टाइम पे ऐड करेंगे। अब गाजर हमारी रोस्ट हो गई है, अब हम इसको ढक्कन लगा करके स्टीम में पकाएंगे और ये पानी जो है वो हम सुखा देंगे बिल्कुल। इसको भी ऐसे बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे और पर हम ढक्कन लगा करके इसको पकाएंगे। इस प्रोसेस में भी कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। जब इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो उस टाइम पे हम डालेंगे इसमें 1 ग्लास दूध। जब हमारा दूध पक जाएगा और गाजर भी पक जाएगी तो उस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी। अगर आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइम पे हम चीनी ऐड करेंगे इसमें। चीनी आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा कि गाजर में कितनी मिठास थी।
अब हमारी गाजर अच्छे से पक चुकी है, मीठा ऐड हो चुका है। अब हम इसका जो बचा हुआ पानी है थोड़ा बहुत इसमें, वो अच्छे से इसको सुखा देंगे हम। अब हम बिना ढक्कन के इसको पकाएंगे ताकि जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाए। अब हमारा गाजर का हलवा पक्के तैयार हो चुका है, इसका पानी भी ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब अगर आप यहाँ पे शक्कर यूज़ कर रहे हैं तो शक्कर आपको बिल्कुल लास्ट में डालनी है जब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, क्योंकि शक्कर को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। अब हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है, अब हम इसको सर्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी खाना है वो आँखों को, फिर जीभ को और फिर पेट को, तीनों को पसंद आना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे इसको सर्व करना है। सबसे पहले हम एक कांच का बोल लेंगे, उसमें हम कुछ क्वांटिटी हलवा की डालेंगे। फिर हम लेंगे घर पे जो नॉर्मल मलाई होती है हमारे दूध में, वो मैंने निकाल के रख ली है, एक थिक सी मलाई। और फिर उसको, अगर तो आप मलाई खाना पसंद करते हैं तो आप पूरे में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिर्फ साइड्स में लगा सकते हैं एक लेयर सी, जो कि एक बहुत ही अच्छी लुक देती है। रेड और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा सुंदर दिखता है। फिर हम एक ऊपर से एक गाजर के हलवे की एक और लेयर लगाएंगे। लास्ट में एक और लेयर हम क्रीम की डालेंगे। क्रीम आप अपनी मर्जी के अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं तो थोड़ी थोड़ी सिर्फ डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं। अब ऊपर से हम गार्निश करेंगे हमारी कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। अब आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लुक दे रहा है, साइड में से जो डबल शेड में रेड और वाइट कलर का दिख रहा है, ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। ये तो हो गया सिंपल हमारा कांच के बोल में अगर आपको सर्व करना है। नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा अलग लुक देना चाहते हैं इसको, तो एक इस तरह का एक रेक्टेंगल शेप में आप एक टिफिन या कंटेनर ले सकते हैं, उसमें भी हम सेम उसी तरह से एक लेयर नीचे गाजर के हलवे की डालेंगे, उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे सारे कॉर्नर्स में से स्पून की हेल्प से। और फिर इसमें भी हम उसी तरह से क्रीम लगाएंगे, साइड्स में लगा सकते हैं, पूरे में लगा सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू, आपको किस तरह से पसंद है। फिर इसके ऊपर हम एक और लेयर लगाएंगे गाजर के हलवे की।
आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और इसको सर्व करने का जो तरीका है वो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव फूड वैल्यूज़ के साथ में और भी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही मैसेज आप तक पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय योर गाजर का हलवा, बाय बाय।